हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे मैथ्स के चैप्टर नंबर 11 को, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इससे पहले हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10 में सर्कल्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। सुधांशु भैया ने तुम्हें अच्छे से सर्कल्स चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया होगा। आज के वीडियो में हम सर्कल्स के अंदर के एरिया के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना होगा कि सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर है ओ। तो अगर हम इस सेंटर से दो रेडियाई को ड्रॉ करते हैं, OA एंड OB, तो इसके बीच का जो एरिया आता है ना, आर्क को मिलाकर, उसे ही हम सेक्टर बोलते हैं। आई होप सो तुम्हें अच्छे से स्क्रीन में दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन अब तुम लोग सोच रहे होगे, भैया आप कौन से इंक्लोज्ड एरिया का बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो दो एरिया बन रहा है। तो देखो, OAPB वाला जो एरिया है ना, उसे हम माइनर सेक्टर बोलते हैं, यानी कि ये पूरे सर्कल का एक छोटा वाला एरिया को कवर करता है, इसलिए हम इसे माइनर सेक्टर बोलते हैं। लेकिन वही तुम दूसरी जगह पे देखो, जो कि है OAQB, ये वाला जो एरिया है ना, ये सर्कल के मेजर एरिया को कवर करता है, इसलिए हम इसे मेजर सेक्टर बोलते हैं। अब तुम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे और ये सोच रहे होंगे कि अगर एग्जाम में सेक्टर या सेगमेंट लिखा हुआ आता है, तो माइनर सेक्टर या सेगमेंट समझेंगे या फिर मेजर सेक्टर या सेगमेंट समझेंगे। तो देखो, अगर सिर्फ सेक्टर या सेगमेंट लिखा हुआ आता है, तो हमेशा उसे माइनर ही कंसिडर करना, यानी कि अगर सिर्फ सेक्टर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो माइनर सेक्टर है, और अगर सिर्फ सेगमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब वो माइनर सेगमेंट है। जब भी मेजर सेगमेंट या मेजर सेक्टर की बात आएगी, उसमें मेजर लिखा हुआ रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर को कैसे निकालते हैं। लेकिन एक सेकंड, ये किसका कॉल है? हेलो, अच्छा, पक्की न्यूज है? 100%? ठीक है, मैं सबको इन्फॉर्म करता हूँ। मुझे अभी जस्ट अपडेट मिला कि ओसवाल बुक्स के तरफ से CBSE 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर बुक को लॉन्च किया गया है, और ये स्ट्रिक्टली CBSE के नए सैंपल पेपर के ऊपर बेस्ड है। इस बुक में तुम्हें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, और तो और इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सारे फ्रेश और रिलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर है, और इसमें हर टोपोलॉजीज के क्वेश्चंस भी है। इन शॉर्ट, इस साल जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है ना, ये बुक एकदम उसी के बेसिस पर है, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो इसी बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और 200 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया गया है। बस यही खत्म नहीं होता है, इसके अंदर तुम्हें इनसाइडर टिप्स एंड टेक्निक्स के साथ साथ ऑन टिप्स, नोट्स, माइंड मैप्स और मेमोनिक्स भी देखने को मिल जाएंगे। तुम्हारे मन में सवाल होगा कि भैया मेनली इस बुक में है क्या? तो देखो, इस पूरे बुक में 5 सॉल्व्ड और 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर्स हैं, और तो और ये बुक चीट सीट और डिकोडेड मार्किंग स्कीम के साथ आता है, ताकि तुम अपने आंसर को चेक करके पता लगा सकते हो कि तुम कितना स्कोर कर रहे हो, और अगर तुम इसमें अच्छा स्कोर करोगे तो अपने बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा ही स्कोर करोगे। तो अगर तुम्हें इस बुक को बाय करना है, तो तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हो। अब एरिया निकालने सीखते हैं, जो सुधांशु भैया तुम्हें बताए। हम बात करते हैं कि कैसे हम किसी भी सर्कल के अंदर अगर कोई सेक्टर दिया गया है, तो हम उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। चलो मान लो कि उस सर्कल का रेडियस है आर, और जो सेक्टर है वो एक थीटा एंगल को फॉर्म करता है। तो इस केस में हम सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला का यूज करते हैं, और ये फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और पाई का वैल्यू हम यूजुअली 3.14 या फिर 22/7 लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, यानी कि इस फॉर्मूला की डेरिवेशन को देख लेते हैं। तो इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए चलो बोर्ड के ऊपर चलते हैं। तो अभी तुम लोगों ने सर्कल के सेक्टर के बारे में पढ़ा। एक सर्कल का सेक्टर क्या होता है, तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ तुम लोगों ने देखा कि सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, और ये फॉर्मूला था थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो, ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली वर्क करता है या नहीं करता है, इस चीज को प्रूव करने के लिए हम एक एग्जांपल लिए हैं। इस एग्जांपल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे ये टॉपिक और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो मैंने तुम बताया था कि पाई क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि पाई का वैल्यू क्या लेना है, यहाँ पे 3.14 लेना है। क्वेश्चन क्या था, हमें यहाँ पे सर्कल का रेडियस दिया हुआ है जो कि है 4 सेंटीमीटर रेडियस, और एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, और हमें ये जो माइनर सेक्टर है हमें इसका एरिया निकालना है, और साथ ही साथ ये जो मेजर सेक्टर है यानी कि जो बचा हुआ सेक्टर है उसका भी एरिया निकालना है। तो चलो देखते हैं कैसे। पहले हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारा जो आर है यानी कि जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर गिवेन है, एंगल हमारा जो कि थीटा है वो 30 गिवेन है, और पाई हमें लेना है 3.14। और हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था एरिया ऑफ सेक्टर का, फॉर्मूला था हमारा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये सारे वैल्यू को हम इस फॉर्मूला के अंदर पुट करके देखते हैं, और देखते हैं कि हमारा एरिया क्या निकल के आता है इस माइनर सेक्टर का। तो चलो पुट करते हैं, थीटा हमारा 30 डिग्री हो गया, डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई हमारा 3.14, तो हम लेंगे यहाँ पे 3.14 इंटू में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर।
अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 12 आ जाएगा। तो 1/12 इंटू 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16, 12 16 से कैंसिल होगा तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का आ जाएगा इक्वेशन। क्या आएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 2। अब इस चीज को हमें सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 12.56 डिवाइडेड बाय 3। आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 4.19, क्योंकि यहां पे यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ था रेडियस का, तो यूनिट होगा हमारा एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था इस माइनर सेक्टर का एरिया। अब हमें बचा हुआ मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, यानी कि पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसमें से इस चीज को माइनस कर देंगे, इसके एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारा बाकी बचा हुआ जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया भी निकल के आ जाएगा। तो चलो देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं पाई आर स्क्वायर, इसमें से हमें माइनस क्या करना है 4.19 माइनस करना है। तो पाई का वैल्यू हमें लेना था 3.14, रेडियस है हमारे पास 4, यानी कि 16 हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर करें तो 16 माइनस 4.19। अब इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं, 16 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तुम्हारा निकल के 50.24, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.19, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया है अपने मेजर सेक्टर का, यानी कि बड़े वाले सेक्टर का। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, छोटे वाले सेक्टर का एरिया हम लोगों ने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लिया, और बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, पूरे सर्कल का एरिया निकाला और उसमें से छोटे वाले सेक्टर का एरिया को माइनस कर दिया, तो उसे हमारा मेजर सेक्टर का एरिया निकल के आ गया। अब देखो ये जो मैंने एग्जांपल क्वेश्चन लिया था ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें हमें बस सेक्टर का एरिया निकालना था, हम लोगों ने बहुत ही इजीली फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट किया और हमारा आंसर निकल के आ गया। पर जो तुम्हारा एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन होगा ना, वो इतना इजी नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में भी आ जाए, मे बी 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, बट इतना इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो तुम्हारा एक्सरसाइज या एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा ट्विस्टेड रहेगा, उसमें सिर्फ सर्कल का थ्योरी नहीं लगेगा बल्कि बाकी सारे चैप्टर से कहीं कुछ ट्रायंगल्स उठा के डाल दिया होगा, कुछ सर्कल्स वाले चैप्टर से डाल दिया होगा और उन सबका मिक्सचर होगा। अगर तुमने सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है तभी जाकर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि तुम्हें ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना टाइटली समझ में आ गया होगा। अब चलो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब तक हमने सेक्टर के बारे में बहुत सारी बातें जानी और हमने ये भी जाना कि हम सेक्टर के अंदर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। आई होप जो तुम्हें फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें दो चीजों के बारे में जानना है, एक है सेक्टर, दूसरा है सेगमेंट। तो चलो जल्दी से हम लोग सेगमेंट को देखते हैं। तो देखो सेगमेंट होता क्या है, तुम सर्कल के अंदर जब भी कोई कॉर्ड ड्रॉ करोगे ना तो उसके अंदर का जो एरिया आता है ना उसे ही हम सेगमेंट बोलते हैं। चलो एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो ये एक सर्कल है और इसमें हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं ए बी, तो इस कॉर्ड के अंदर वाला जो एरिया है ना इसे ही हम सेगमेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे कि यहाँ पे दो तरह के सेगमेंट बन रहा है, एक बन रहा है माइनर सेगमेंट, एक बन रहा है मेजर सेगमेंट। देखो जो उस लाइन के नीचे वाला हिस्सा है, जो छोटा वाला हिस्सा है, उसे हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और जो उस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा है, जो बड़ा वाला हिस्सा है, उसे हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे जो शेडेड रीजन है एपीबी, ये माइनर सेगमेंट है, वहीं ये जो एक्यूबी वाला हिस्सा है ये मेजर सेगमेंट है। आई होप सो तुम्हें सेगमेंट और सेक्टर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो सेक्टर की लाइन बनती है ना वो रेडियस से बनती है, वहीं जो सेगमेंट की लाइन बनती है वो कोई भी कॉर्ड हो सकता है तुम्हारे सर्कल में कहीं पे भी, रेडियस से ही हो जरूरी नहीं है, इसमें रेडियस का कोई लेना देना नहीं होता। देखो सेगमेंट का एरिया निकालने का तरीका थोड़ा अलग होता है, क्योंकि हमें सेक्टर और ट्रायंगल दोनों के एरिया के डिफरेंस को निकालना होता है, और इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं और फिर जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया निकालते हैं और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, और इस तरह से तुम्हारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकल करके आ जाता है। अब इस फॉर्मूला पे बेस्ड भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, एक एग्जांपल क्वेश्चन। तो अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल क्वेश्चन यहां पे गिवन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB शोन इन फिगर दिस वन If radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB is equals to 120 degree
और यहाँ पे पाई हमें 22/7 यूज करना है। यहाँ पे एक सर्कल गिवन है और हमें इस वाले सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब देखो, हमें एक सर्कल गिवन है और हमें एक सेगमेंट गिवन है और इस सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है। यहाँ पे हमें सेंटर दिया हुआ है। तुम्हें सेगमेंट का फॉर्मूला तो याद होगा, क्या था फॉर्मूला? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे तो सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे सेक्टर और ट्राइंगल कहां से आ गया? तो ये देखो, इस वाले पार्ट का एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो सेगमेंट वाला लाइन है ना, इसे हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। इस लाइन का जो एंड है, इसे हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, तो ये एक तरह से रेडियस बन गया। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। ट्रायंगल का फॉर्मेशन के साथ साथ क्या हुआ कि अगर तुम इस लाइन को अगर इग्नोर करोगे तो ये जो बना ये एक सेक्टर बना। आई होप तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, ये एक सेक्टर बना और यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ। तो हम क्या ये कर सकते हैं कि पहले हम ये सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ इसका एरिया निकालेंगे, और फिर सेक्टर तो बड़ा है और उसमें से छोटे वाले ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये वाला एरिया जिसका एरिया हमें निकालने बोला गया है, ये हमारा निकल के आ जाएगा बहुत इजी। तो वही चीज को हमें करना है। यहाँ पे सेगमेंट है हमारा ए वाई बी, रेडियस हमें 21 सेंटीमीटर बोला गया है, और ये जो एंगल है, ये जो सेक्टर का एंगल है, ये 120 डिग्री है। तो चलो हम पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था एरिया ऑफ सेगमेंट का? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहां पे सेक्टर कौन सा है? ओ ए वाई बी, तो एरिया ऑफ ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, हमें यह चीज करना है। तो पहले हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं। सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें गिवन है, यानी कि एंगल गिवन है 120 डिग्री, तो 120 बाई 360 इंटू पाई हमें 22/7 लेना है। रेडियस है हमारा 21, तो 21 इंटू 21 यानी कि 21 का स्क्वायर। 00 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 7 × 7, 7 × 3 = 21। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास? 22 × 21। तो इसे हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमारा सेक्टर का एरिया निकल के आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब इस चीज़ में से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना है। तो देखो, बोर्ड पे स्पेस नहीं, मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के बताता हूँ, ठीक है? इसको क्लियर करते हैं पहले। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकल के आया था? एरिया ऑफ सेक्टर हमारा निकला था, एरिया ऑफ सेक्टर था 22 × 21 सेंटीमीटर। इस चीज में से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है। अब देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना यहाँ पे ट्रिकी वाला पार्ट है। क्यों? क्योंकि हमें बेस नहीं पता है, हमें ट्रायंगल का हाइट नहीं पता है, और ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हमें बेस और हाइट ही नहीं पता है, तो हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का एरिया को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल अलग से बना लेता हूँ। वो जो सेम ट्रायंगल है, उसको रिप्लीकेट करने के लिए मैं यहाँ पे उस ट्रायंगल को बना लेता हूँ। बेस है ए बी, ए और बी, एंगल है हमारा ये वाला 120 डिग्री, सेंटर है ओ, और हमारा दोनों साइड है 21 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल को बीच में से बाइसेक्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं अगर, और यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा, और हम इस चीज़ को कुछ भी नेम दे देते हैं, इस पॉइंट को एक्स दे देते हैं नाम। तो अब हमें क्या करना है ना कि हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यानी कि ट्राइंगल ओ एक्स ए और ओ एक्स बी को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो, बहुत ही सिंपल है। देखो, पहले हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ एक्स ए एंड ट्राइंगल ओ एक्स बी। तो हमारा जो साइड ओ एक्स है वो तो कॉमन साइड हो गया, दोनों ट्राइंगल के लिए ये साइड कॉमन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ एक्स इक्वल टू ओ एक्स कॉमन।
हमारा एक साइड इक्वल प्रूव हो गया। अब एक एंगल भी इक्वल है हमारा, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर लाइन है, तो दोनों ट्रायंगल्स के लिए एंगल 90 डिग्री यानी कि एंगल इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल एक्स, क्योंकि परपेंडिकुलर है, क्योंकि 90 डिग्री है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स का हाइपोटेनस भी इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम सर्कल का रेडियस है, तो 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OA, OB इज इक्वल टू OA, क्यों इक्वल है, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो देखो हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हुआ, हमने एक एंगल कॉमन प्रूफ कर दिया, हमने एक साइड कॉमन प्रूफ कर दिया यानी कि इक्वल प्रूफ कर दिया, और हमने एक दूसरा साइड यानी कि हाइपोटेनियस भी इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये कॉन्ग्रुएंसी के किस प्रॉपर्टी से इक्वल प्रूफ होता है, वो होता है RHS से। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ट्रायंगल OXA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OXB फ्रॉम द प्रॉपर्टी RHS। तो ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल है, और साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, यानी कि ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स बाई सी पी सी टी, और साथ ही साथ ए ओ एक्स एंगल ए ओ एक्स इज इक्वल टू एंगल BOX is equals to 60 degree। अब देखो क्योंकि ये congruent triangles है तो हम इन triangles के sides का ratio भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से sides का हम ratio लेंगे, यहाँ पे हम इस triangle के OX और OA का ratio ले लेते हैं। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो ये perpendicular है और ये hypotenuse है, और ये angle जो है ये 60 degree है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है, वो कॉस थीटा होता है, और इस केस में थीटा 60 डिग्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। और ओए का लेंथ कितना है, 21 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं ox बाय 21, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ox निकल के आ जाएगा, ox निकल के आ जाएगा हमारा 21/2। और ये ox क्या है, ये OX इस ट्रायंगल में हाइट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने इस वाले ट्रायंगल का हाइट निकाल लिया। तो हमें एरिया निकालने के लिए दो कंपोनेंट चाहिए होता था, एक बेस और एक हाइट, तो हमने हाइट निकाल लिया। तो हम बोल सकते हैं कि 21/2 सेंटीमीटर जो है वो इसका हाइट है, तो हाइट हमारा निकल के आ गया 21/2। अब हमें इस बेस का लेंथ निकालना है, बेस का लेंथ निकालने के लिए मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूं, तुम लोग नोट डाउन कर लेना इस चीज को। और बेस निकालने के लिए हम कौन कौन से साइड का रेशियो लेंगे, तो यहां पे हम रेशियो लेंगे ए एक्स का और ओ ए का। तो हम यहां पे लिखेंगे ए एक्स बाई ओ ए, ए एक्स बाई ओ ए क्या हो जाएगा, जिस तरह से यहां पे कॉस 60 हुआ था, यहां पे साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 क्यों होगा, क्योंकि ये बेस बाय हाइपोटेन्यूस है इस केस में, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ओ ए हमें पता है 21, तो हम यहां पे लिखेंगे 21, और x हमें नहीं पता है, हम यहां पे x लिख देते हैं। अब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x क्या निकल के आएगा, ax इक्वल टू 21√3/2, 21√3/2। और हमें पता है कि ax इक्वल टू bx है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ax का लेंथ 21√3/2 है, तो इस पूरे का लेंथ क्या 2 × 21√3/2 होगा, मतलब कि ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू होगा 2 × 21√3/2। ए बी यानी कि इस ट्रायंगल का बेस, तो ये हमारा बेस निकल के आ गया, ये बेस हो गया। हाइट हमने ऑलरेडी यहां पे फाइंड किया था 21/2, बेस हमारा निकल के आ गया 2 × 21√3/2, और यहां पे हमारे 2 और 2 कैंसल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2√3। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस है हमारा 21/2 और हाइट है हमारा 21√3
रूट थ्री, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा। अब हमें क्या करना था, एरिया ऑफ सेक्टर में से यानी कि इसमें से इस चीज को माइनस करना था। तो चलो उस चीज को भी करके देखते हैं, मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूं। तो हम लिख सकते हैं 21 × 22 माइनस, यहां पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में 4 आ जाएगा। हम लिख सकते हैं 21 × 21 रूट थ्री। इस चीज को अब हम सॉल्व करते हैं, तो यहां पे हम 21 को कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर में 4 आ जाएगा, और इसे सॉल्व करने पे आएगा हमारा 88 माइनस 21 रूट थ्री। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा फाइनल आंसर ये निकल के आता है। तुम्हें इससे ज्यादा आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा फाइनल आंसर है, तुम्हारे बुक में भी यही फाइनल आंसर दिया हुआ है। तो यही था एग्जाम्पल नंबर 2, और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना था, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाला और फिर हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया, तो हमारा ये छोटा वाला पार्ट का एरिया निकल के आ गया। वैसे देखो मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग जब मैथ्स पढ़ते होगे तो ये सोचते होगे कि इसका रियल लाइफ में यूज कहाँ पे है। देखो ऐसा भी नहीं है कि मैथ्स पूरा ही फालतू होता है, थोड़ा सा होता भी होगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैथ्स के प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं है। है देखो, जो क्लॉक का मिनट हैंड होता है ना, उसका जो मूवमेंट होता है वो एक सेक्टर का एरिया स्वीप करता है। या फिर तुम किसी कार के वाइपर को ले सकते हो, वो जो एरिया स्वीप करता है ना वो भी एक सेक्टर को फॉर्म करता है। इसी तरह से हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें जो सेक्टर को फॉर्म करते हैं। वैसे ही सर्कुलर फील्ड में अगर किसी पोर्शन को फेंस्ड करना हो या फिर पेंट करना हो तो हमें इन सारे फॉर्मूलाज को यूज करना पड़ता है जो हमने आज इस चैप्टर में सीखा है। तो देखो ये सारी चीजें जो हम सीख रहे हैं ना, ये तुम्हारे पास एग्जाम में नहीं बल्कि डेली लाइफ में भी काम आने वाली है। तो देखो यही था तुम्हारा चैप्टर, इसमें सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट थे, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। इसमें बस एक ही एक्सरसाइज है और मैंने तुम्हें 2 एग्जांपल क्वेश्चन करके बता दिए कि तुम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना मत भूलना, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब तुम लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।